तो आईपीएल 2021 भाई हो चुका है पूरी तरीके से खत्म। फाइनल मैच पे भाई सीएसके ने जीत हासिल किया है। पूरा फाइनल मैच रिव्यू मैंने आपको ऑलरेडी अपलोड करके दे दिया है। आपको अगर पता नहीं है तो आपको भाई उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन के साथ साथ पिन कमेंट पर भी मिल जाएगा, तो जाकर उस वीडियो को भी चेकआउट कर लीजिए। फुल्ली तरीके से मैंने आपको वहां पर डिटेल में बताया है कि उस मैच पे क्या हुआ है, क्या दिक्कत था केकेआर के साथ, क्यों केकेआर ने उस मैच पे जीत हासिल नहीं कर पाया है, तो ज़रूर चेकआउट कर लेना। और इस वीडियो में हम स्पेशली भाई बात करने जा रहे हैं अवार्ड लिस्ट के बारे में, प्राइज मनी के बारे में। मैं आपको पहले फाइनल मैच का जो अवार्ड लिस्ट रहा है वो बताऊंगा, प्राइज मनी भी बताऊंगा, साथ साथ पूरा सीजन का जो अवार्ड लिस्ट है वो भी आपको पता चलेगा और प्राइज मनी भी बता दूंगा, किन को कितना पैसा मिला है वो सब कुछ पता लगने वाला है। तो आपको अगर जानना है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहना। तो चलिए सबसे पहले हम फाइनल मैच के अवार्ड के बारे में बात कर लेते हैं। सीएसके वर्सेस केकेआर का जो फाइनल मैच हुआ है उस मैच पे किसको कौन सा अवार्ड मिला है और कितना रुपीज मिला है। तो भाई फाइनल मैच का मैन ऑफ द मैच चूज किया गया है फाफ डु प्लेसी को, जिनको भाई 5 लाख के साथ साथ एक अवार्ड भी मिल चुका है। उसके बाद ऑफ स्टॉक मोस्ट वैल्यूएबल एसेट ऑफ द मैच चूज किया गया भाई फाफ डु प्लेसी को ही, इनको यहां पर भाई 1 लाख रुपया मिला है और एक ट्रॉफी मिला है। इसके बाद क्रेड पावर प्लेयर ऑफ द मैच चूज किया गया है भाई वेंकटेश आयर को, इनको भाई 1 लाख रुपया मिला है, साथ साथ एक अवार्ड मिला है। उसके बाद अन अकेडमी लेट्स क्रैक इट सिक्सेस, ये अवार्ड भाई गया है इस मैच पे वेंकटेश आयर को, इनको 1 लाख के साथ साथ एक अवार्ड मिल चुका है। उसके बाद ड्रीम इलेवन गेम चेंजर ऑफ द मैच अवार्ड गया है भाई फाफ डु प्लेसी को, उनको 1 लाख रुपये के साथ साथ एक अवार्ड मिल चुका है। इसके बाद वीवो परफेक्ट कैच ऑफ द मैच मिल चुका है भाई रविंद्र जडेजा को, जो कैच उन्होंने भाई पकड़ा था आपको पता है कि वेंकटेश आयर का वो शानदार था, उसको ही भाई यहां पर वीवो परफेक्ट कैच ऑफ द मैच चूज किया है। और रविंद्र जडेजा को भाई 1 लाख रुपये के साथ साथ एक वीवो का फ़ोन भी मिल चुका है। इसके बाद सफरी सुपर स्ट्राइकर ऑफ द मैच चूज किया गया भाई रॉबिन उथप्पा को, उनका एक छोटा सा और इम्पैक्टफुल भाई जो पारी था इस फाइनल मैच पे उसको देखते हुए यहाँ पर उनको सफरी सुपर स्ट्राइकर चूज किया गया है, इनको 1 लाख रुपया के साथ साथ एक अवार्ड मिल चुका है। तो ये तो गया भाई फाइनल मैच का अवार्ड। अब चलिए मैं आपको फुल सीजन में उनको कौन सा अवार्ड मिला है वो बता देता हूँ। तो भाई मैन ऑफ द सीरीज चूज किया गया है हर्षल पटेल को, जो कि भाई ऑफ स्टॉक मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन भी है, तो इनको भाई 10 लाख रुपया के साथ साथ एक ट्रॉफी मिल चुका है। उसके बाद इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन चूज किया गया भाई ऋतुराज गायकवाड़ को, भाई उनको ऑरेंज कैप भी मिला है, मैं आपको बाद में जाकर बताता हूँ। तो भाई यहाँ पर इमर्जिंग प्लेयर चूज किया गया है इस सीजन में ऋतुराज गायकवाड़ को, 10 लाख रुपया उनको मिला है, एक ट्रॉफी भी मिल चुका है। उसके बाद वीवो परफेक्ट कैच ऑफ द सीजन चूज किया गया भाई रवि बिश्नोई के वो कैच को, जो कि भाई सुनील नरीन का उन्होंने पकड़ा था केकेआर के खिलाफ, और इनको मिला है भाई 10 लाख रुपया और साथ साथ एक ट्रॉफी। उसके बाद सफारी सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन चूज किया गया है सिमरन हिटमायर को, जिनको भाई 10 लाख रुपया के साथ साथ एक ट्रॉफी मिल चुका है। इसके बाद ड्रीम इलेवन गेम चेंजर ऑफ द सीजन चूज किया गया है हर्षल पटेल को, जिनको भाई मिल चुका है 10 लाख रुपया और एक ट्रॉफी। इसके बाद नेक्स्ट अन अकेडमी लेट्स क्रैक इट सिक्सेस ऑफ द सीजन चूज किया गया भाई केएल राहुल को, यहाँ पर उनको 10 लाख रुपया मिला है, साथ साथ एक ट्रॉफी। भाई केएल राहुल ने इस सीजन में टोटल 30 छक्का लगाया है और 626 रन बनाया है। इसके बाद क्रेड पावर प्लेयर ऑफ द सीजन चूज किया गया भाई वेंकटेश आयर को, इनको मिल चुका है भाई 10 लाख रुपया और ट्रॉफी। उसके बाद ऑरेंज कैप भाई गया है इस सीजन में ऋतुराज गायकवाड़ को, उन्होंने टोटल 635 रन बनाया था, तो उसके चलते उनको भाई 10 लाख रुपया मिल चुका है और ऑरेंज कैप का ट्रॉफी भी मिल चुका है। यहां पर 2 रन से भाई बिछड़ गया था फाफ डु प्लेसी, उन्होंने भी भाई 633 रन बना दिया था, अगर और 2 रन बना देता या 3 रन बना देता तो भाई उनके पास ही जाता, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ सिर्फ 2 रन के चलते ऑरेंज कैप का हकदार बन चुका है। इसके बाद नेक्स्ट पर्पल कैप मिल चुका है भाई, यहाँ पर कोई डाउट नहीं, हमें बहुत पहले ही पता चल गया था हर्षल पटेल आरसीबी की तरफ से बहुत ही खास परफॉर्मेंस किया था, 32 विकेट उनके नाम है, 32 विकेट उनके नाम है भाई, हाईएस्ट विकेट टेकर बन चुका है ऑल ऑफ सीजन, क्योंकि इससे पहले भाई बनाया था शायद डीजी ब्रावो ने और उनका बराबरी कर लिया है इन्होंने, और इनको उसके चलते 10 लाख रुपया और एक ट्रॉफी मिल चुका है। और उनके पीछे बहुत पीछे भाई आफिस खान, जिन्होंने शायद 24 विकेट चटकाया था दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेलते हुए।
इसके बाद चलिए हम टीमों के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई अगर बात किया जाए पेटीएम फेयर प्ले अवार्ड के बारे में, तो भाई वो गया है राजस्थान रॉयल को। 10.1 पॉइंट उनका एवरेज है और उनको चूज किया गया है इस सीजन का पेटीएम फेयर प्ले अवार्ड के लिए। और इसके बाद नेक्स्ट अगर हम विनर की बात करें यानी कि सीएसके की अगर बात करें, तो भाई उनको मिल चुका है आईपीएल का शानदार चैंपियन ट्रॉफी, साथ साथ 20 करोड़ रुपया एज ए विनर उनको मिल चुका है। इसके बाद रनर्सअप की अगर बात किया जाए यानी कि केकर की अगर बात किया जाए, तो भाई केकर को भी एक ट्रॉफी मिला है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। साथ साथ उनको 12.5 करोड़ रुपया मिला है। और सेमीफाइनलिस्ट की अगर बात किया जाए यानी कि दिल्ली कैपिटल्स और आरसीबी की अगर बात किया जाए, तो उनको भाई मिलने वाला है 8.6 करोड़ रुपया लगभग। यहाँ पर एक्चुअल अमाउंट मुझे अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन 8.6 करोड़ तो है ही है। तो ये रहा भाई आई पी एल 2021 का पूरा अवार्ड लिस्ट। यहाँ पर कोई भाई अलग सा बात नहीं हुआ है, सिर्फ अवार्ड लिस्ट के बारे में मैंने आपको बताया है, प्राइज मैंने बता दिया है। तो थोड़ा तो मेहनत लगा है भाई, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग मेहनत करके एक लाइक जरूर कर दीजिए। फिलहाल के लिए वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। आपको बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकाल के इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता चले। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ।